वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक से एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है। इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 23 इंचिस और लेंथ हमने रखी है 21 इंचिस। जिसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इससे वापस फोल्ड करेंगे तो ये हो गया हमारा फोल्ड। अब हम मार्किंग करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ऊपर से 3 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करना है इस तरह से। और राइट साइड में नीचे की तरफ फोल्डेड एरिया से 4 इंचेस इतना मार्क करेंगे हैं यहाँ पे इस तरह से। और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें इस तरह का राउंड शेप यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर तक हमें एक और राउंड शेप बनाना है इस तरह से, कॉर्नर से कॉर्नर तक मिलाते हुए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें इस तरह की 4 स्ट्रिप्स मिल गए हैं यहाँ पे। इसे हमें इस तरह से अरेंज करना है फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमें बेस फैब्रिक कट करना है इसी के शेप में, तो हमने फैब्रिक को फिर से फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। और स्ट्रिप्स को इसके ऊपर सीधा रखते हुए हमें मार्क करना है और इसे हमें कट कर लेना है। सीधा इसके ऊपर रखते हुए हमें इसी शेप में हमें फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है तो हमें 4 स्ट्रिप्स मिल गए हैं और बेस फैब्रिक के लिए। अब यहाँ पे एक को राइट रखते हुए दूसरी स्टेप हमें उल्टी रखनी है इसके ऊपर। हमें इस तरह से इसे अरेंज करना है। एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर इस तरह से। चारों स्टेप्स में हमें इस तरह का अरेंजमेंट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों राउंड शेप में हमें सिलाई लगानी है इस तरह से चारों स्ट्रिप्स में। और इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने सिरा लगा कर इसे राइट साइड पे टर्न किया है।
अब दोनों स्ट्रिप्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 13 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 8 इंचेस। अब यहाँ पे एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है दोनों पार्ट्स में। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट्स में। हमें सेंटर मार्क करना है दोनों पार्ट्स में इस तरह से। दोनों पार्ट्स में हम सेंटर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर को मिलाते हुए हमें पार्ट को इसके ऊपर सीधा रखना है इस तरह से। दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमें अरेंज करना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें पिन कर लेना है इस तरह से ताकि खिसक न जाए यहाँ से। दोनों पार्ट्स में हमें सेंटर को मिलाते हुए पिन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से दोनों पार्ट्स में नीचे की तरफ। दोनों राउंड में हमें सिलाई लगानी है और ऊपर भी हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पे हमने दो रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं फैब्रिक से, जिससे हम बॉटम बनाएंगे। तो जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 29 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 17 इंचेस। दोनों को साथ में हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे भी हम अच्छे से फोल्ड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क कर लेनी है इसे, और जो मार्किंग की है वहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक इस तरह से, और इससे हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें दो पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए बॉटम पार्ट के, जिसे हमें इस तरह से अरेंज करना है दोनों को। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे भी हम इसके साथ इस तरह से अरेंज करेंगे। और ये जो बॉटम के ऊपर बॉर्डर है इसके ऊपर हमें टॉप को उल्टा रखना है बॉर्डर को मिलाते हुए, और हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से बैक पार्ट में भी हम टॉप और बॉटम को मिलाएंगे उल्टा रखते हुए और हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और इसे राइट साइड पे टर्न किया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हमें दूसरा उल्टा रखना है और यहाँ पर दोनों को अच्छे से मिलाएंगे फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे दोनों शोल्डर में मिस्त्री लगा के दोनों को अटैच करने हैं और यहाँ पे 1 इंच की गैप पे दोनों तरफ से सिरे लगा के इस राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं अच्छे से और दोनों तरफ से सिरे लगा के इस राइट साइड पे टर्न किया है।
और ये जो हमारे नीचे वाली बॉर्डर है इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए पूरा राउंड में सिला लगाएंगे। ये देखिए हमने नीचे वाली बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिला लगा दी है और इसी के साथ ये वेव फ्रॉक हमारा रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेव फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।